वर्क एनर्जी पार के अंदर पहला रूल है वर्क इज सेट टू बी डन अगर बॉडी क्या हो डिस्प्लेस होती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नेक्स्ट है वर्क डन का फॉर्मूला एफ फैक्टर डॉट एस फैक्टर है तो ये फॉर्मूला है वर्क डन तीन किस्म के हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव है अगर फोर्स आ गया है और मींस अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया है और फोर्स ऑपोजिट है जैसे फ्रिक्शन की फोर्स तो वर्क डन नेगेटिव है और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो वर्क डन जीरो है मेन फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है और सर्कुलर मोशन में फोर्स कहाँ पर है टूवर्ड सेंटर सेंटर बिटल है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट जो कि टेंजेंशियल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 है सर्कुलर मोशन के अंदर वर्कडन हमेशा सेंट्रीटल फोर्स का हमेशा जीरो ही रहेगा तो इसके अंदर के अंदर भी ये टेंशन टी है और ये डिस्प्लेसमेंट यह टेंशन क्या वर्क डन करेगी टेंशन जीरो वर्क डन ही करेगी ये याद रखा जाए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये vector, ये एफ एस तो वर्क डन का फॉर्मुला एफ फैक्टर डॉट एस वैक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आएगी नेक्स्ट आपको इसमें ये आ सकता है कि अगर आपको कोई ग्राफ गिवन हो एफ और एक्स का और आपसे ये कहा जाए कि वर्क डन निकाला जाए

प्रूफ के अंदर सेम कारनेटिक एनर्जी का प्रूफ है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ डी एस है फोर्स क्या है एक्सलेशन डी वी बाई डी टी है इस पूरी टर्म को यहाँ पे पुट किया डी एस बाई डी टी विलॉसिटी वी है इंटीग्रेट किया यू से वी लिमिट्स पुट की हाफ एम वी स्क्र माइनस हाफ एम यू स्कोर तो चेंज इन कार्नेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन है ये प्रूफ करना है नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं ध्यान से सुनना एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर वो नीचे आ रहा है तो आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताने क्या होगा ग्रेविटी ने कितना काम किया आंसर क्या होगा जीरो होगा कई बार टेस्ट में भी आता है उसमें लिखा भी होता है लोग कैलकुलेट भी करते हैं लेकिन आंसर जीरो होगा क्यों जीरो होगा क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है आप एक बॉडी को एक जगह से शुरू करके ग्राउंड पे वापस लेके आएंगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो होगा ठीक अच्छा ठीक है तो ये पहला इसका पार्ट है दूसरा पार्ट है व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी तो ऊपर की फोर्स आपने अप्लाई की एफ जिसने किसको बैलेंस करना है MG sin थीटा को और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तो आपकी F की वैल्यू क्या है MG sin थीटा प्लस फ्रिक्शन तो ये फोर्स जो टोटल फोर्स है एल डिस्प्लेसमेंट है मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ क्या जाएगा वर्क डन फिर नेक्स्ट है फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया फ्रिक्शन का वर्क डन हर वक्त नेगेटिव ही रहेगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन में ऊपर जब बॉडी जा रही है तो नेगेटिव वर्क डन नीचे आ रही है तो भी नेगेटिव वर्क डन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों को ऐड करो आंसर तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी दो किस्म की है पहली ग्रेविटी की एमजीएच और दूसरी स्प्रिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एर्जी एम जी एच है ये तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है कंजरवेटिव नॉन कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है कि जिसके साथ अगर वर्कडन किया जाए तो वर्कडन इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है और पाथ पर डिपेंड नहीं करता नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड करता है दो चीजें दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव में अगर आपने जहां से बॉडी को उठाया और वहीं पर वापिस रख दिया नेट अमाउंट ऑफ वर्कडन जीरो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होता है कंजर्वेटिव में जीरो नहीं होता ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी और इसमें कुछ भी नहीं है नेक्स्ट है प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव तो ग्रेविटी की कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए आप एक बॉडी को सीधा उठाएं तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी mg जी इंटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप बॉडी को यहां से यहां लेके जाएं केस नंबर 2 तो जब आप यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो वर्क डन है mg जी इंटू

चार केस बना के प्रूव किया जा सकता है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कंजर्वेटिव इन नेचर है नेक्स्ट है कुछ नहीं करना इसमें से कुछ नहीं है नेक्स्ट ये भी कुछ नहीं करना आपने इसमें नेक्स्ट है शो दैट मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज अ अंस्टेंट तो टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट में मान लो एक बॉडी यहां पर है यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है एम और कॉनेटिक है जीरो तो टोटल एनर्जी है एम जब बॉडी यहाँ पर आ गई

तो पोटेंशियल क्या है ग्राउंड पे आते हैं जीरो और कॉनिटिक क्या हाफ एम वी डैश स्क्श की वैल्यू यहां से यहां पुट करके आपके पास आंसर क्या आएगा एम जी एच तो टोटल एनर्जी आपके पास कॉन्स्टेंट रहेगी आपने ऐसे प्रूव करना है ग्राफ मार्क करने को आ जाए कि ग्राफ ड्रॉ करो पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी का तो ऐसा ग्राफ मार्क करना है जब कॉनेटिक मैक्स है पोटेंशियल मिनिमम है और जब पोटेंशियल मैक्स है तो कॉनेटिक मिनिमम है लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम ये ग्राफ आपने मार्क करना है न्यूमेरिकल दो तीन टाइप के इसके इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक ब्लॉक है बीस न्यूटन की फोर्स है पांच के उपर, 10 के ऊपर दस सेकंड के ऊपर आपको बताना इसमें कॉनेटिक एनर्जी क्या होगी तो दस सेकंड के बाद आप इसमें निकाल लें लें लगा एनर्जी ले, आ जाएगी वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक्सेलेरेशन चाहिए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन से मास इनटू एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेशन निकाल लें टाइम दस सेकेंड में वीज इक्वल टू यू प्लस एटी से वेलोसिटी निकाल लें हाफ एमवी स्क्वर से एनर्जी निकाल लें आंसर उसी तरीके से ये क्वेश्चन है

डिस्प्लेसमेंट 126 से आंसर सेकंड केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है माइनस में लगाना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सब में सेम रहेगी पर जिसका वर्क डन पूछा गया अगर आपको वर्क डन अप्लाइड फोर्स का पूछा गया तो अप्लाइड फोर्स इनटू 126 अगर फ्रिक्शन का पूछा गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू 126 अगर नेट फोर्स का वर्क डन पूछा गया तो नेट फोर्स इनटू 126 यहां से आपके आंसर्स आएंगे तो जिसका वर्क डन पूछा जा रहा है उसी की फोर्स आपने कंसीडर करनी है नेक्स्ट है जैसे टैंक भरना है पानी का पंप लगा हुआ है पंप की एफिशिएंसी कितनी है इसमें तीस परसेंट है आपको बताना है इसमें इनपुट पावर कितनी है टैंक का वॉल्यूम आपको पता है पानी जो पंप है वो आउटपुट में पानी को ऊपर चढ़ा रहा रहे वर्कडन कर रहा है और इनपुट में क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं तो आप एफिशियंसी का फॉर्मला लगा लें एफिशियंसी इज आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर एफिशियंसी आपको तीस परसेंट गिवन है आउटपुट वर्कडन क्या हो रहा है पानी ऊपर चढ़ रहा है एट अ हाइट ऑफ एच तो वर्कडन कितना हो रहा है एम टी टाइम में तो ये आउटपुट पावर आ गई इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल हमें निकालनी है आपको पानी का टैंक का वॉल्यूम पता है आप उस वॉल्यूम को टैंक के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लें जी पता है और एच पता है और टाइम भी पता है सॉल्व करके इनपुट पावर कैन भी कैलकुलेटेड तो ये एक तरीका है जिससे कि आंसर निकल सकता है नेक्स्ट जैसे इसमें एक प्लैंक है एक बुलेट आता है दस सौ मीटर पर सेकंड के साथ और प्लैंक के अंदर रुक जाता है वेलोसिटी जीरो हो जाती है और आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार सेंटीमीटर केस नंबर वन तो बताओ सेकंड केस में कितनी वेलोसिटी से बुलेट को एंटर करवाएं ताकि वो नौ सेंटीमीटर पे जाके रुक जाए इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें चेंज ऑफ कनेटिक फाइनल एनर्जी जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्ल टू वर्कडन बाई फ्रिक्शन ट्रैक के अंदर क्या होगी friction होगी फ्रिक्शन तो चेंज ऑफ कनेटिकज इक्वल टू फ्रिक्शन का वर्क डन क्या एफ इन टू डिप्लेसमेंट दूसरे केस में भी चेंज ऑफ कनेटिकल टू एफ इन टू डिस्प्लेसमेंट दोनों को डिवाइड करके वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये इसका आंसर है ये सब कंपटीशन वाला पार्ट है जो भी चल रहा है सारा तो आप लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रेफर करें कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन करने है है वो है है जो है। के के हैं, वो मैंने अगला कॉन्सेप्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है पहला क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा स्टेबल अनस्टेबल फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग तो आपने ऐसे करना है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू कितना डीएक्स डीएक्स है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू स्प्रिंग की क्या होती है के एक्स इंटू डी एक्स है टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से लेके एक्स तक तो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर बाय टू आंसर हाफ एक्स स्क्वायर बाय के एक्स स्क्वायर आंसर तो हाफ के आंसर आएगा इसमें क्लियर है यहां तक तो बस यही प्रूव करना है इसमें स्प्रिंग के अंदर या तो स्प्रिंग की एनर्जी आएगी या फिर स्प्रिंग के अंदर ये क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर वर्क डन की रेशियो बतानी होती है ये वाला क्वेश्चन कि आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं स्प्रिंग, है। स्प्रिंग कांस्टेंट के वन के टू से बढ़े आपको इसमें क्या बताना है किसमें ज्यादा काम किया जा रहा है डन किसमें ज्यादा या कम है वेन दे आर स्ट्रेच विद सेम फोर्स पहला केस है तो वर्कडन का फॉर्मूला होता क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर के वन के टू एक्स वन एक्स टू अब एक्स वन स्क्वायर को लिखें एक्स टू एक्स तो के एक्स क्या है फोर्स तो फोर्स की वैल्यू फोर्स से क्या हो गई कैंसल लेकिन फोर्स की वैल्यू इक्वेट कर दी एक्स वन एक्स टू की रेशियो आ गई उसको उठा के यहाँ पुट कर दिया अब के वन बड़ा है के टू से तो फ्रैक्शन लेस देन वन है तो डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू लेस देन वन है तो डब्ल्यू वन की वैल्यू लेस देन डब्ल्यू टू है कहने का मतलब पहले आपने ये फॉर्मुला लिखना है फिर आपने एक्स वन स्क्वेयर को दो बार लिखना है इसको फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है फोर्स फोर्स कैंसिल करनी है इसकी रेशियो फोर्स को इक्वेट करके निकालनी है इन टर्म्स ऑफ के वन के टू क्योंकि आपको क्वेश्चन में के वन के टू से बड़ा पता है तो इसलिए आप डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की रेशियो निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए इफ दे आर स्ट्रेच बाय अ सेम अमाउंट नॉट बाय सेम फोर्स सेम अमाउंट अमाउंट का मतलब एक्स सेम है तो सीधा ही एक्स से एक्स एक कट गया के वन के टू के वन बढ़ाए के टू से तो डब्ल्यू वन बढ़ाए के डब्ल्यू टू से आंसर आ गया तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो स्प्रिंग का इतना ही सफिशियंट है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कोलिजन्स कोलिजन collision के अंदर नॉर्मली जो मैंने देखा है वो वान डी कोलिजन के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन एनसीआरटी में आते हैं आप प्लीज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाए उसको इसलिए दिया गया था बनाने में बहुत टाइम लगता है उसमें ताकि आप फाइनल्स के अंदर सही तरीके से काम कर सकें तो कोलिजन के अंदर इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तीन कैटेगरीज हैं इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है यानी कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू सही है कॉर्नेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है दूसरा केस है इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है पर कॉर्नेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बुलेट और ये ब्लॉक दोनों इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं आफ्टर कोलिजन तो मोमेंटम इसके अंदर भी कांस्टेंट है यानी कि टक्कर से पहले मोमेंटम एम वन यू वन प्लस जीरो टक्कर के बाद मोमेंटम एम वन प्लस एम टू इन वी कॉमन विल रिमेन सेम लेकिन असली जो चीज़ है वो आनी है इलास्टिक कोलिजन इन वान डी आपको वी वन वी टू के बड़े बड़े फॉर्मूला ड्राइव करने को आ सकते हैं तो फाइंड वो कहेगा इलास्टिक कोलिजन इन वान डी में आपको फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है वी वन वी टू की क्या होंगी तो आप पहले ये डायग्राम बनाएंगे इलास्टिक कोलिजन में वन डी में मोमेंटम कंजर्व करेंगे एम वन यू वन एम टू यू टू एम वन वी वन एम टू वी टू रीअरेंज करके ये क्वेश्चन नंबर वन आ जाएगी फिर एनर्जी को कंजर्व करेंगे कोलिजन से पहले एनर्जी कोलिजन के बाद एनर्जी विल रिमेन सेम तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हाफ एम वन तो ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री फिर आप एक्सप्रेशन निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी वी वन का वी वन का तो थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे से, से इस v2 की को और v2 की वैल्यू को उठा के यहां पे कर देंगे, कर देंगे। तो देखो यहां पुट v2 v2 किया अब पूरी इक्वेशन में v1 बच गया और रीअरेंज करके v1 की वैल्यू का ये फॉर्मुला निकाल लेंगे फिर ऐसी एक्सप्रेशन आपको v2 का निकालना है तो फिर से इक्वेशन में वन एंड थ्री लिखेंगे इस बार इस इक्वेशन से वी वन की वैल्यू निकाल के यहां सब्सिट्यूट इन टर्म्स ऑफ वी टू करके वी टू निकाल लेंगे तो तो बड़े बड़े फॉर्मुला ड्राइव करने पड़ेंगे आपको तो ये वी वन वी टू ड्राइव करने को आ सकते हैं एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर इलास्टिक कोलिजन वाडी के अंदर मास सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं तो टक्कर हुई दस पांच आफ्टर कोलिजन पांच और दस हो गया टक्कर हुई दस पांच तो पांच इधर चला गया और दस इधर चला गया ये याद रखा जाए नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन इन सॉल्व करने का कोई नहीं है इसके अंदर दो ही चीजें हैं या तो इन इलास्टिक कोलिजन में गिवन होते हैं। इस में और दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी रेस्टिट्यूशन से इन्हें सॉल्व करके वी वन वी टू कैन बी कैलकुलेटेड करके दिखाया हुआ है जैसे इन दोनों में से आपको टक्कर आपको वी वन वी टू निकालना है तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन टक्कर से पहले मोमेंटम टक्कर के बाद मोमेंटम को सेम कर दें इक्वेशन नंबर वन फिर रेस्टिट्यूशन v2 टू माइनस वी वन यू वन माइनस यू टू तो यहां से सॉल्व करके v2 v1 की इक्वेशन इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड इसका कोई फॉर्मुला नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से ही v1 v2 आएगा और कोई तरीका नहीं है एक इसके अंदर बहुत फेमस क्वेश्चन है जो नॉर्मली आ जाते हैं आपके स्कूल्स में और यहाँ पर भी और वो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है करवाया भी था कि एक बॉल है एम यू वन से मूव यू से मूव कर रहा है एक रेस्ट पे पड़ी हुई बॉल है के टाइम्स एम मास है आफ्टर कोलिजन वी वन वी टू वेलोसिटीज है फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड निकालना कितनी होगी तो इसके पास तो कुछ था नहीं टक्कर से पहले

क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इन वन डी है तो वी टू का बड़ा सा फॉर्मुला लिखें इस फॉर्मुले में यू टू तो जीरो है और मास एम वन को एम पुट करें एम टू को के एम पुट करें सॉल्व करके क्या आ गया वी टू आ गया इस वी टू को यहाँ पे पुट करें पुट करके सॉल्व करके आपका आंसर आ गया कई लोग ये शॉर्टकट ही याद कर लेते हैं देखो अगर तो ये खुद प्रूव करने को आ गया फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा फिर तो आपको सारा ही करना है तो करना ही पड़ेगा लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो सेकेंड बॉडी है उसका मास टेन टाइम्स है फर्स्ट बॉडी से तो के कितना हो गया टेन आप सीधा इस फॉर्मुले में टेन पुट करके एक सेकंड में आंसर निकाल दें न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सही है तो फॉर्मूला बनाया जा सकता है जैसे अगला क्वेश्चन है ये आ जाता है पेपर में कि अगर वो फॉर्मूला याद है कि सेकेंड बॉडी का मास वन बाय टाइम्स है फर्स्ट बॉडी का मास तो मास्यू वन बाय अपॉन अप एम हो गई तो पिछले फॉर्मूले में के की जगह वन बाई एम पुट कर दें तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा बात ही खत्म होगा और ये इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा तो प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से क्वेश्चन डाल रखे हैं सी की शीट में आप प्लीज़ अगली बार ये प्रिपेयर करके आना मैं डालूंगा पेपर में चलो और भी छोड़ो आप मैं डाल लूँगा प्रूफ ये प्रूफ करने को डालूंगा तो आप शॉर्टकट ना यूज कर लें ऐसी प्रूफ कर दें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड v2 की वैल्यू निकाल के आप प्रूफ कर लेना आएगा क्वेश्चन ये ठीक कुछ ना करें वो जो मैंने शीट दे रखी है ना वो प्रिपेयर करके आ जाए कम से कम वो तो कर ही ले अच्छे नंबर आ जाएंगे ठीक तो ये देखो इन इलास्टिक इन कोलिजन इलास्टिक ये स्कूल में तो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाले यही संभाल लो बहुत बड़ी बात है वन वाला इलास्टिक कोलिजन में से क्वेश्चन आने है बात खत्म इन इलास्टिक अगर आएगा तो मैंने बता दिया टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एनसीआरटी में आता नहीं ठीक है यहां तक